नमः शिवाय। आज हम आपको अनोखे तोते की दुनिया में ले जा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, ये तोते हनुमान चालीसा के अलावा ओम नमः शिवाय समेत कई मंत्रों का जाप कर लेते हैं। यहाँ तोतों की एक ऐसी दुनिया है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। पहले एक बार फिर सुनिए तोते ने किस तरह से हनुमान चालीसा गाई। हजारों तोतों का ये बसेरा कर्नाटक के मैसूरू में है। यहाँ एक भव्य आश्रम में ये तोते रहते हैं। इन तोतों के सामने जो भी शब्द बोला जाता है उसे बड़ी आसानी के साथ ये याद कर लेते हैं और दोहरा लेते हैं। बाय। Left, right, come on, boy, come on, left, right, give second, good boy, good, bye. इस जगह को शुकवन कहते हैं। शुक का मतलब तोता होता है और इस शुकवन के संचालक गणपति सचिदानंद स्वामी हैं। इनके साथ इनके शिष्य हमेशा इन तोतों की सेवा में तत्पर रहते हैं और ये तोते भी इन्हें अपना खास मानते हुए हमेशा इन्हीं के साथ घूमते रहते हैं। मकाऊ और तोते, इनमें क्या होता है, जैसे ह्यूमंस की टंग होती है, थोड़ा बहुत इनका जो वेरिएशन होता है ह्यूमंस की टंग जैसा होता है। दूसरा, ह्यूमंस जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसमें एक लैरिंग्स होता है जिसकी वजह से, जिसे हम साउंड बॉक्स कहते हैं, उसकी हेल्प से हम ह्यूमंस लोग साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं बाय अपने टीथ और लिप्स की मूवमेंट करके, जिससे कि एयर वाइब्रेट करती है। बट्स इन केस ऑफ बर्ड्स, इनमें ना तो नाक होती है ना ही लिप्स होते हैं, इनमें लिप्स की जगह बीक होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें लैरिंग्स की जगह एक सैरिक्स एक ऑर्गन है वो होता है जिसके हेल्प से ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है, जो इनका जो ईसोफेगस है एज कम्पेयर टू ह्यूमन, ये काफ़ी लंबा होता है और ये बाइफरकेट करता है टू पार्ट्स में। ये दो पार्ट में जब बाइफरकेट करता है तो उसके पास जैसे ये ट्रैकिया के नीचे सैरिंग्स सिचुएटेड होता है। इस सिचुएटेड सैरिंग्स में अंदर क्या होता है, सिमनीफोरस एक मेम्ब्रेन होती है जब जिससे वो बर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, जब वो बोलते हैं अपने आप में, जैसे वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं या साउंड को बाहर एक्सहेल करते हैं, अपने एयर्स को एक्सहेल करते हैं बाहर, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी हेल्प से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हिलती है और साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। और इसके एज कम्पेयर ये ह्यूमन जैसे थोड़ी थोड़ी साउंड्स प्रोड्यूस कर पाते हैं। तोते जो होते हैं बहुत अच्छे गुड लर्नर होते हैं। इनके सामने जो आप शब्द बार बार बोलेंगे ये उसी को पकड़ के बोलने में आपकी हेल्प करें, मतलब ये बोलना सीख जाते हैं। ऐसा क्या है, जैसे कि हम मिट्ठू मिट्ठू बोलते हैं, मोस्टली ये बहुत ही ईजी वर्ड है तोतों के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जो जैसे ही अपने हवा को बाहर निकालते हैं तो मेम्ब्रेन हिलते हैं, मेम्ब्रेन से जैसा कि साउंड प्रोड्यूस होता है, मोस्टली ये साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं ये ह्यूमंस की तरह प्रोड्यूस करते हैं। और जो इनकी टंग है वो हेल्प कर देती है ये साउंड प्रोड्यूस करने में। और जैसा कि इनमें लर्निंग एबिलिटी होती है काफ़ी अच्छे से, तो ये इजीली चीज़ों को मनुष्य द्वारा सीख के इजीली बोलने में ये सक्षम होते हैं।